हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम 2.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फंक्शन आ जाता है आपके अब सीन में, सिनेरियो में। तो आई होप 2.2 2.1 सबको अच्छे समझ में आई होगी। शेयर सबसे कर देना सेशंस को, और जो भी डाउट्स है कमेंट जरूर करके बताया करो। किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है कि इसमें एक हमारे पास टॉपिक ये आएगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है। मान लीजिए देखिए, एक रिलेशन है ए से बी का। ठीक है, 1 2 3 4 यहां पर है ए बी सी डी। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं यहां। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास चल रहा है। ठीक है, और एक मेरा ए से बी का रिलेशन क्या दे रखा है, एक ए से बी का रिलेशन मेरा दे रखा है 2 3 4 5 और ए बी सी डी। तो 2 का रिलेशन ए से है, 2 का बी से भी है, 3 का सी से है, 4 का बी से है, 5 का डी से है। ये दो एग्जाम्पल है, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब ए का बी से रिलेशन है कि भी एक का ए से रिलेशन है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है। यानी कि इस साइड वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले वाले के ए के, सबका अलग अलग रिलेशन है अलग अलग एलिमेंट से। तो ऐसा सभी रिलेशन क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। सबसे पहली बात तो जिनका सिंगल हो, इस साइड वाले को देखना है, इस साइड वाले को नहीं देखना है। अब इस एग्जांपल में देखिए भाई, 2 का रिलेशन देखो एक से भी है, 2 का रिलेशन बी से भी, यानी कि एक ही एलिमेंट का चक्कर दो जगह चल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। आई होप समझे होंगे कि रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा। पहले वाले नंबर को देख लेना है। अब देखिए पहला सवाल, पहले वाले को देखना है, जैसे 2 को, 5 को, 8 को, 11 को, 14 को, 17 को। ठीक है, यानी कि हमारे पास में देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, फिर 5 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, फिर 8 का रिलेशन 1 से है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि यहां पर, सॉरी थोड़ा सा चेंज करो इस चीज को, मैंने थोड़ा सा गलत बोल गया यहां पे, कि यहां से देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन बी से नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 3 से, यानी कि 2 से नहीं होना चाहिए। सही जा रहे थे हम, है ना। 8 का रिलेशन भी 1 से है, 11 का भी 1 से है, 14, सबका अलग अलग रिलेशन है अपना, तो ये फंक्शन होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा 2 का देखिए 1 से है, 2 का किसी और से नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन होगा ये, तो देखिए 2 का किसी भी और से नहीं है। 4 का 2 से है, तो 4 का किसी और से नहीं होना चाहिए। 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, 14 का 7 से है, तो ये भी फंक्शन है, सिंपल सी बात है। अब यहां देख लो, 1 का 3 से भी आ गया, 1 का 5 से भी आ गया, 2 से नहीं होना चाहिए था, तो तीसरा वाला फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात है। जो पहले एलिमेंट होंगे उनका 2 के साथ चक्कर नहीं चलना चाहिए, 1 का 1 के साथ ही चक्कर चलेगा, तभी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो अब आप लोग आराम से किसी भी रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में देख के बता सकते हो कि कौन सा रिलेशन है अथवा कौन सा रिलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब डोमेन और रेंज भी बताना था, तो आपको मैंने बताया था कि जो पहला वाला नंबर होता है वो डोमेन होता है सारा। तो मैं पहले वाले का डोमेन समझा देता हूं आपको, बाकी दोनों के डोमेन आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसका डोमेन हो गया भैया 2 5 8 11 14 17, ये डोमेन हो गया। अब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 1 सिर्फ, क्योंकि सबका 1 तक ही पहुंच पा रहे हैं सारे। तो मतलब किसी भी रिलेशन में पहला नंबर होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज। आई होप ये बात सारी समझ में आई होगी। शेयर सभी से कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।